पहले हिस्से में हमारे मेहमान आने ग्रामीण सीनियर एंकर एंड एनालिस्ट दुनिया न्यूज मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर एक्सपर्ट बैंकिंग लॉस मियां सुहेल अहमद एडवोकेट हाईकोर्ट मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर तक चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद भी तशरीफ ले आएंगे। जबकि दूसरा हिस्सा हमारा जो प्रोग्राम का है वो चीफ गेस्ट चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमी खान साहब जो भी थोड़ी देर तक तशरीफ ले आएंगे। हमारे आज के स्पीकर मियां सुहेल अहमद एडवोकेट पिछले 20 साल से ज्यादा अरसे से बैंकिंग कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और 1996 से बैंकिंग प्रैक्टिस से मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मसलन सिटी बैंक, हबीब बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वगैरह को अपनी माहराना कानूनी राय से लीड कर रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि मुआयने और बैंकिंग लॉस पर अपने ख्याल का इजहार। आप दोस्तों से इंटरेक्शन करना कि जो हमारा बैंकिंग लॉस है उसमें जब बैंक कोई सो फॉर रिकवरी फाइल करता है तो वो जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट सो फाइल हुआ है वो अपने राइट को कैसे डिफेंड करेगा बैंकिंग कोर्ट्स या हाई कोर्ट। जिस तरह सिविल कोर्ट्स के अंदर हम जब कोई पार्टी प्लेंटिफ मदाए को सो फाइल करता है तो डिफेंडेंट साइड जो ओपोनेंट साइड है वो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर। अब क्योंकि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जब इसका कोई कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है तो उस अमाउंट की रिकवरी के लिए वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके पास रेमेडी है कि वो बैंकिंग कोर्ट को रजू करे, वहां अपने सू फाइल करे। अगर उसकी जो फाइनेंस अमाउंट रिकवर करने वाली है वो ₹10 करोड़ से तक की मौजूद है, अगर उससे अबव है तो फिर उसकी ज्यूरिडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट। और बैंकिंग कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन अज्यूम करने के लिए दो चीजें जरूरी है कि एक बैंकर्स, दूसरा कस्टमर जिसने फाइनेंस कैरी की। अब मैं जो चीज स्प्लिट करूंगा वो है हमारी एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड द सूट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेक्शन 9 क्लास 5 फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस 2001 के तहत रिकवरी सूट फाइल करने के बाद बैंकिंग कोर्ट समन जारी करती है तो पहला मरहला जो डिफेंडेंट के लिए है या आफ्टर सर्विस वो एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड द सूट फाइल करे ताकि अपने राइट को जो उसके प्रिवेल है उसको लॉ के तहत वो उसे कैरी कर सके। अब इसका जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो है विद इन 30 डेज और उसके लिए 4 मोड्स लॉ में प्रोवाइड किए गए हैं, वो सिमल्टेनियसली यानी एक ही दफा वो यूटिलाइज होंगे इस्तेमाल किए जाएंगे। वो क्या है? जिस्ट्रो एडी, TCS, बेलफ जिसे हम प्रोसेस सर्वर कहते हैं और दूसरा है पब्लिकेशन इन वाइड सर्कुलेशन इन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड उर्दू न्यूज़पेपर। इन केस ऑफ सर्विस बाय एनी सिंगल मोड चाहे वो आपका बेलफ का हो चाहे प्रोसेस सर्वर का हो चाहे पब्लिकेशन का हो, कस्टमर पाबंद है उसके लिए मैंडेटरी है कि उस सर्विस पर्सनल होने के बाद विद इन 30 डेज एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड द सूट बैंकिंग कोर्ट के अंदर मूव करे, उसको फाइल करे। अब जो हमारे दोस्त जो बैंकिंग प्रैक्टिस से डील करते हैं और जो नहीं करते, सबसे अहम फॉर्मेट ये होता है कि जो एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड जो कंटेस्ट है उसका फॉर्मेट क्या हो, आया को उसका फॉर्मेट डिफरेंट है बैंकिंग लॉस के अंदर या वो जैसे सिविल सूट फाइल करते हैं उसकी रिटन स्टेटमेंट आती है तो वो उसका पैरामीटर फॉर्म्स वही होंगे। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड द सू है उसका पैरामीटर उसकी फॉर्मेशन वैसे ही है जैसे एक रिटन स्टेटमेंट की होती है, उसके पैरामीटर्स वही होंगे, आपने उसी बाउंड्रीज के अंदर उसको प्रिपेयर करना है अपनी एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड द सूट। डिफेंडेंट लॉयर के लिए जो सबसे अहम पॉइंट कंसिडरेबल है अपनी एप्लीकेशन फाइल करते वक्त वो देखने की ये है कि वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट यानी वो इश्यूज वो पॉइंट्स रेज करे जिनकी बुनियाद पर वो अपने केस में रिलीफ कैरी कर सके, कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके
कि इसके अंदर ऐसे बोनाफाइडी मैंने क्वेश्चंस रेज किए हैं जिसके लिए मुझे लीव टू डिफेंड ग्रांट की जानी चाहिए, ताकि मैं अपने केस को ऑन मेरिट इसको डिसाइड करवा सकूं। अब जब पीएलए आपने एस्टेब्लिश करनी है तो उसके सबसे इम्पोर्टेंट आपका पैरामीटर क्या होगा कि आपने ये देखना है कि जो बॉरोअर है जिसने फाइनेंस कैरी की है इंस्टीट्यूशन से, वो अपनी पीएलए के अंदर ये मेंशन करेगा कि उसने बैंक से अमाउंट कितनी अवेल, उसने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कितनी अमाउंट रीपे की, और उसके अंदर अपनी डेट्स मेंशन करेगा। ये आपको सेक्शन 10 क्लॉज 3 ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। नंबर 2, वो पीएलए के अंदर जो अब डिफेंडेंट है वो पाबंद है कि वो कोर्ट को इंटीमेट करे एक्सप्लेनेशन के साथ कि मैंने अमाउंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पेएबल है उसका क्वांटम क्या है, यानी ये भी उसी ही बॉरोअर की लायबिलिटी है कि वो कोर्ट को एक्सप्लेन करके बताए कि मैंने इंस्टीट्यूशन को रीपे क्या करना है। थर्डली, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो बताएगा कि इसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या, यानी मुझे कौन सी ऐसी अमाउंट है जो मुझे डिस्प्यूटेड है और मैंने उसको रीपे नहीं करना, मेरी क्वांटम में नहीं आती। ये 3 पैरामीटर्स हैं जो एक पीएलए को एस्टेब्लिश करते वक्त एक डिफेंडेंट काउंसल को मद्देनजर रखनी चाहिए। अगर वो ये रिक्वायरमेंट्स जो लॉ की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन 10 की उसको फुलफिल नहीं करता, तो बैंकिंग कोर्ट इंटाइटल है कि उसकी पीएलए को, यानी जिसे एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड कहते हैं, उसको डिसमिस करते, रिजेक्ट करते। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर लीव टू पीएलए जो अपनी फाइल करेंगे, आप उसके साथ अकॉम्पनीड डॉक्यूमेंट साथ लगाएंगे जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि आपने कोई रीपे किया है तो बैंक की कोई रसीट्स, या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बैंक ने सबमिट नहीं किए हैं और उस पर आप रिलाई करते हैं, तो वो अपनी पीएलए के साथ आप सबमिट। अगर आप सेक्शन 10 क्लास 3 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते, जैसे मैंने कहा जो मैंडेटरी है, तो रिजेक्शन होगी। उसकी स्पेसिफिक लॉ जो जजमेंट लेड आउट हो चुकी है वो है 2010 CLD 828, 2008 CLD 765, 2006 CLD 244। जब आप दी एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड द सू को जब प्रिपेयर करते हैं, तो इस रिकवरी सू के अंदर वो लॉयर That will be successful, जो इसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को कंट्रोल करेगा। तो जैसे बॉडी के अंदर हेड हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसी तरह फाइनेंस के अंदर रिकवरी सू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो फाइल बैंक करता है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे तो इट्स मीन के आप अपने जो क्लाइंट है उसके लिए मैक्सिमम फेवर जो है वो कोर्ट से कैरी कर सकते हैं। जैसे अभी बड़ा अच्छा शामी साहब ने कहा कि अदर फाइनेंस से इसलिए भी रिलेटेड है कि फाइनेंस अदर को भी शायद समझने के लिए जरूरी है कि माशी हालत ठीक ना हो तो फिर अदर भी काम नहीं आता। अब ये जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को आप देखते हैं तो ये 4 चीजों कंपोनेंट है। एक, जो बैंक ने फाइनेंस डिसबर्स की उसकी डेट, यानी किस डेट को उसने फाइनेंस डिसबर्स की। नंबर 2, उसका डिस्क्रिप्शन कि जो फाइनेंस आपको डिसबर्स हुई है आपके कस्टमर को उसका मोड क्या है, मोड कैश, पे ऑर्डर, चेक, किस मोड के थ्रू आपको पेमेंट डिसबर्स हुई। वो बैंक के लिए मैंडेटरी है बताना कि उसने किस मोड के थ्रू आपको पेमेंट दी। नंबर 3, डेबिट, जो अमाउंट आपके अकाउंट में डाली गई। क्रेडिट, जो अमाउंट आपने वहां से कैरी की। नेक्स्ट क्या रहता है, आपका बैलेंस। ये है बेसिक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के कंपोनेंट्स। अगर ये कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के कंप्लीट नहीं किए जाते तो डेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विल नॉट बी कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और कोर्ट को राइट है कि ऐसी सूरत हाल में
वो ऐसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के साथ साथ पीएलए भी ग्रांट कर सकती है और सोच को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एग्जामिन कर सकते हैं 2008 CRD 576, 2003 CRD 931 और अगर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हो तो बैंकिंग कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए लाजम है तो वो पार्टी को अनकंडीशनल लीव टू डिफेंड भी ग्रांट करे 2004 CRD 1356। और लास्ट में सिर्फ मैं क्योंकि प्रिसाइज करने के लिए देखना यह है कि जो पीएलए फॉर्मेट करते हैं वो सिर्फ दो चीजों को एक अपने माइंड में जरूर रखें कि क्वांटम ऑफ लायबिलिटी जहां पे आपने फाइनेंस कैरी की है वो आपने मैक्सिमम रिड्यूस करवा दी। अगर वो देखना यह है कि उसमें बोगस एंट्रीज ना हो, आपने वो जो रीपेमेंट्स की हैं कि वो सारी की सारी उस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर शामिल हैं, उसमें क्या बैंक ने कहीं कंपाउंडिंग तो नहीं की, यानी आपका जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसके अंदर उन्होंने मार्कअप की एंट्रीज तो नहीं डाली। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आपको चाहिए कि प्रिंसिपल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से वो मार्कअप की एंट्रीज को आप अलहदा करते ताकि उसको निकाल के आप मार्कअप कोड को निकाल के फैसिलिटेट करें, जिससे ये होगा कि आपका क्वांटम ऑफ लायबिलिटी जो है वो इंतहाई निचली सतह पे आ जाएगा, वो भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी रिलीफ। दैट्स ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के इस सालाना लॉ कॉन्फ्रेंस में एक निहायत अहम टॉपिक है डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर एंड ब्रूटल वायलेंस, और इस टॉपिक पर रोशनी लाने के लिए हमने आज खसूसी तौर पर दावत दी है रिस्पेक्टेबल गेस्ट स्पीकर मिस सारा अहमद को, जो 10 साल से सोशल एक्टिविस्ट रही हैं और उनकी इसी काबिलियत और खिदमत की वजह से वो अब एज ए चेयर पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब में एज ए ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। ये इदारा सोशली रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत इख्तियार कर चुका है जो कि डेस्टिट्यूट और निगलेक्टेड बच्चों को हेल्प करता है। हमें मिस सारा से दरख्वास्त करूंगी कि वो डाइस पर आए और अपने इदारे के बारे में हमें आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable guests, lawyers, students and teachers, and all our esteemed guests and panelists, Assalamu Alaikum. It's an honor for me to be invited here to speak on the sensitive issue of child domestic labor. I'll start with an introduction to child domestic labor, and then I'll move on to what Child Protection Bureau does for to ensure that these children are protected. Child domestic labor is one of the most common forms of child labor. Available studies indicate that in many other developing countries, the incidence of child labor is quite significant. Just like other developing countries, it's also significant in Pakistan. And the research shows that here it's actually more in number than the other countries of the world. Traditionally, and unfortunately, more girls are prone to this menace compared to the male gender in the society. Child domestic labor, due to its nature and circumstances, is susceptible to becoming a worse form of child labor in the society. Not only are many children in domestic labor very young, but also the tasks they perform are difficult to monitor. Ab basically hota ye ki child domestic labor isliye mushkil hai monitor karna kyunki wo bacche gharon ke andar hote hain, un tak किसी भी गवर्नमेंट की एजेंसी का पहुंचना या किसी इदारे का जो ये जो इंश्योर करता है उसके लिए वो मुश्किल होता है क्योंकि उन तक एक्सेस मुश्किल होती है, एंड जो एम्प्लॉयर्स जिन्होंने उन बच्चों को एम्प्लॉय किया होता है वो ऐसे शो नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत केयरफुली इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चलता है कि देयर इज सम इशू गोइंग ऑन इनसाइड। So this child domestic labor is a widespread and growing global phenomenon in the developing world, as I mentioned earlier. The root causes of this phenomenon include poverty, जो हमारे मुल्क में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारा अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ा मसला है जिसकी जो इन टर्न ट्रांसलेट इन टू चाइल्ड लेबर ऑल्सो। फेमिनाइजेशन, सोशल एक्सक्लूजन, लैक ऑफ एजुकेशन, gender and ethnic discrimination and violence suffered by children in their own homes, ye sab cheeze un bachchon ko force karti hain ki wo bahar jaake aur young age mein employment hasil kare. Also poverty is tarah kyunki unke maa baap unko jo baaki sahuliyat faraham nahi kar sakte aur wo apne maa baap ke liye ek source of income bante hain,
तो आपने ये भी देखा है जब हम उनको माँ बाप को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि आप बच्चों को नहीं ये बच्चों को ये चाइल्ड लेबर की तरफ नहीं भेजें, लेकिन वो नहीं मानते हैं क्योंकि उनके सारे जो है घर का निज़ाम उस तरह चल रहा होता है. अब व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू एंड दिस मेनेस इन डोमेस्टिक वर्क. अब देयर इज़ नो मैजिक वांड व्हिच द गवर्नमेंट कैन टेक, लेकिन स्लोली ओवर पीरियड ऑफ टाइम्स इफ वी अडॉप्ट दीज स्टेप्स एज आई मेंशन हम इस पे काबू पा सकते हैं. एक है अवेयरनेस रेजिंग एंड एडवोकेसी टू ट्रांसफॉर्म सोशल एटीट्यूड्स एंड टू एड्रेस द वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन डोमेस्टिक वर्क एंड द बिलीव्स अमंगस्ट एम्प्लॉयर्स, कि एम्प्लॉयर्स को समझाया जाए और वो एजुकेटेड हो, उनको पता चले कि ये जो हम कर रहे हैं दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग फॉर द सोसाइटी एज अ होल. एक तो ये अवेयरनेस डिवेलप की जा सकती है. सेकेंडली टेकिंग लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी एक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर एंड टू प्रोटेक्ट यंग वर्कर्स इन डोमेस्टिक वर्क. ये किस तरह हो सकता है? बाय सेटिंग अ क्लियर मिनिमम एज फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स नॉट लोअर देन द एस्टैब्लिश्ड फॉर वर्कर्स जनरली. देन आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ हार्मफुल डोमेस्टिक वर्क फॉर चिल्ड्रन. कुछ लोग घरों के अंदर बच्चों से ऐसे काम करवा रहे होते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो मजबूरी के तहत वो कर रहे होते हैं. एक तो ये बात इसकी हम आइडेंटिफाई करें और फिर इसको रेक्टिफाई किया जाए. थर्डली रेगुलेटिंग द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स विद स्पेशल अटेंशन टू द नीड्स ऑफ यंग वर्कर्स. अडॉप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट पेनल्टीज. प्रोविजन ऑफ कंप्लेंट मैकेनिज्म्स, जैसे अगर हम में से कोई देख ले किसी घर में कोई छोटे एज का बच्चा काम कर रहा है एंड उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होता, या फिर वो 15 ईयर्स से कम है जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो हम रिपोर्ट करें. वी शुड वॉइस आवर ओपिनियन सो दैट एक्शन कैन बी टेकन. देन प्रोविजन ऑफ दैट्स व्हाट आई मेंशन कंप्लेंट प्रोविजन ऑफ कंप्लेंट मैकेनिज्म्स, फैसिलिटेशन ऑफ एक्सेस टू जस्टिस एंड लीगल रिड्रेस, effective labor inspection that is authorized by law to enter premises in order to enforce provisions applicable to domestic work. I would like to appreciate the child labor the Punjab domestic workers act 2019 jisme Punjab government ne ek according to section 3 which is on prohibition on employment, it says that koi bhi bachcha 15 years se kam jo ho wo usko allowed nahi ho domestic work or in any capacity. एंड अगर 18 ईयर्स का 15 to 18 तो फिर वो लाइट वर्क उनको अलाउड हो, कोई उनसे ज़्यादा काम ना किया जाए. वो लाइट वर्क की डेफिनेशन इज मेंशन इन द लॉ व्हिच हैज बीन पास्ड. ऑल्सो देव पुट इट देव इम्पोज अ पेनल्टी व्हिच आई एम हैप्पी अबाउट दैट इफ इट दिस इज ब्रीच्ड दिस सेक्शन दिस लॉ देन ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 month एंड इफ ही एम्प्लॉयज अ चाइल्ड लेस देन 12 ईयर्स then there's a fine of up to 50,000 rupees. इस तरह के इकदाम उठाए और अगर ये इन इट्स ट्रू एसेंस फॉलो किया जाए तो हमें इम्प्रूवमेंट नजर आ सकती. अब नाउ वी टॉक अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो. द चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बेसिकली वॉज फॉर्म इन 2000. देयर वाज अ लॉ एंड देयर वाज अ लॉ व्हिच वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2004 एंड इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी व्हिच वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट. इट वाज फॉर्म बाय द होम डिपार्टमेंट. द ऑब्जेक्टिव of this department is to obtain legal custody, is to rescue destitute and neglected children. And how we do it is we obtain legal custody of the child at risk. Hame jo bhi inform kiya jata hai, there is a helpline which is 1121. So if somebody informs us on this or this chief minister's portal, our team goes to rescue the child and then we trace the children's family for reintegration. Then this prosecution we prosecute the persons accused of special offences relating to children, protecting them from cruelty, abuse, commercial sexual exploitation and beggary, and registration of shelter homes. All of this comes under the Child Protection Bureau of Punjab. What does Child Protection Bureau does for domestic labour protection? Our section 3K clearly says that any child who is a victim of an offence punishable under this act or any other law for time being in force and his parent or guardian is convicted or accused for the commission of such offence, this sort of people, they come under our jurisdiction and then we are entitled to taking action upon it through the legal procedure. This is how I would like to conclude that agar aap log koi aisa waqia dekhe ki koi child abuse kisi form ka, koi domestic violence kisi form ka, child rights violate ho rahe hain, you should please use our helpline which is 1121 and inform us
and I will make sure that action is taken on that. Thank you so much, Sara. अब मैं जिस हस्ती को बुलाना चाह रही हूँ वो दुनिया न्यूज के शो नुक्ता नजर की शान भी है, डेली पाकिस्तान के चीफ एडिटर, पाकिस्तान जर्नलिस्ट एंड कॉलमिस्ट मुजीबुर रहमान शामी साहब. एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि माशाल्लाह काफ़ी हमारी बहनें और बेटियां जो हैं काफ़ी बड़ी तादाद में वकील बन रही हैं, और मगर जजों में उसकी उनकी नुमाइंदगी उस तरह नज़र नहीं आती. तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत हैं हमारी बहनें और बेटियां, लेकिन वकील भी उनको बनना चाहिए. इससे शायद इंसाफ जो है उसका हासिल मुमकिन हो जाएगा या आसान. और दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, मैं यहाँ हाईकोर्ट आया आता रहता हूँ अक्सर. एक ज़माने में कभी मुल्ज़िम की हैसियत से आता था, कभी मुद्दई की हैसियत से आता था, तो अब एक आपसे आपके मुलाकाती की हैसियत से आया हूँ. मुझे लगा कारों का जंगल उगा हुआ है, तो हाईकोर्ट जो है पूरे और सुप्रीम कोर्ट से अहकाम जारी होते हैं पूरे मुल्क में, और ऐसी शिकायत भी पैदा हुई हैं जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में कि पता ही नहीं चला कि इंतज़ामिया कहाँ शुरू हो गई, अदलिया कहाँ ख़त्म हो गई. और एक तो ये कोई अपनी जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट भी है हाई कोर्ट भी है, तो कोई ऐसी सूरत भी करें कि ये ऑर्गेनाइज हो जाए ज़रा पार्किंग, तो बड़े शुक्रगुजार होंगे यहाँ आने वाले. बाकी बातें तो बहुत सी करने की हैं कानूनदानों से, और लेकिन अब मामला सिर्फ बच्चों का है और उनकी प्रोटेक्शन का है, और वो भी जो घर में बच्चे काम करते हैं. तो सारा अहमद साहब ने फरमाया है कि क्या क्या वो कर रही हैं, किस किस तरीके से कानून जो है प्रोटेक्ट कर रहा है. असल में बात यह है कि हर जो सोसाइटी है उसका एक पस मंज़र होता है, उसकी अपनी सकाफत है, उसकी अपनी तारीख है, उसकी अपनी समाजी ज़रूरियात है. इसमें अगर आप देखें तो ये जो घरों में बच्चे काम करते हैं, हम शायद मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा नहीं कर सकें, क्योंकि ये कुछ मुआशी मजबूरियाँ और ज़रूरतें ऐसी हैं, और कई वालदैन तो ऐसे हैं वो बच्चे पैदा ही इसलिए करते हैं कि उनसे वो कमाई का ज़रिया बनाएंगे. और आप देखें गरीब बहुत पसमानदा लोग जो हैं उनके भी आठ आठ बच्चे, दस दस बच्चे, नौ नौ बच्चे, और मुख्तलिफ जगह उन्होंने नौकर रखाए हुए हैं और उनसे आमदनी का ज़रिया है. मगर कोई ऐसी सूरत ज़रूर करनी चाहिए. चलिए एक ख़ास हद तक अगर आप इजाज़त भी दे दें, तो मैं समझता हूँ अगर कोई बच्चा कहीं काम करता है, एक तो यह जो वेस्ट ने हमें जो तसव्वुरात दिए हैं उसके तहत हम अपने कवानीन भी बनाते हैं, लेकिन वो मतलूबा मकासद हासिल नहीं हो पाए. तो मैं समझता हूँ, मैं अभी आप देखें ये हमारे जो घरेलू मुलाजम हैं, मेट्स हैं, ड्राइवर हैं, इनको हमारे क्लब जो हैं उनमें दाखिले की इजाज़त नहीं है. ये जिमखाना में नहीं जा सकते, ये सिंध क्लब में नहीं जा सकते, ये इस्लामाबाद क्लब में नहीं जा सकते, ये डिफेंस क्लब में नहीं जा सकते. अभी मैंने देखा एक दिन के वज़ीर आज़म इमरान खान का एक हुक्म जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि किसी क्लब में किसी मुलाजम को, ड्राइवर को रोका नहीं जा सकेगा अंदर दाखिल. तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन फिर ख्याल आया कि शायद ये इंतजामी हुक्म काफ़ी ना हो, इसको लेजिस्लेट करना पड़े. और यानी एक यानी आप अगर आपने कोई एक दफ़ा अफ्तारी की दावत दी हुई थी मैंने एक क्लब में, तो मैंने उसमें कहा कि जो ड्राइवर हैं वो भी आके अफ्तार कर लें. उन्होंने कहा नहीं, ड्राइवर अंदर दाखिल नहीं हो सकते, वो तैयार होगा अफ्तार. ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमले पर है, और हम लकीर के फकीर हैं और उन लकीरों पर चल रहे हैं फकीरों की तरह जो बरसों पहले खींची गई थी. और इसी तरीके से आप देखिए कि ये जो डोमेस्टिक लेबर है, एक तो चाइल्ड है ना, चाइल्ड लेबर, फिर डोमेस्टिक लेबर जो चाइल्ड जो थोड़े अडल्ट हैं, उनकी क्या हालत है. मैं समझता हूँ कि कानून बनना चाहिए कि हर शख्स जो है जो अपने घर में किसी शख्स को मुलाजिम रखता है उसको उसी तरीके की सहूलतें फराहम करे रहने की जो उसको खुद हासिल. मैं चाइना गया एक बार, और चाइना में किसी भी कम्युनिस्ट मुल्क में ये डोमेस्टिक
لیبرز جو تھے وہ نہیں ہوتے تھے, اس کی اجازت نہیں تھی, گریڈ ملازم ہر شخص کو اپنا کام خود کرنا پڑتا. پھر جب آبادی کا دباؤ بہت بڑا تو چائنا نے اس کی اجازت دے دی, اور پھر انہوں نے یہ کہا, تو میرا جو انٹرپریٹر تھا وہ یونیورسٹی کے ٹیچر تھا انگریزی کا, تو وہ ایک دن کہنے لگا کہ ہمیں دو کمروں کا مکان مل گیا ہے, اب میں ایک میٹ رکھ لوں گا اپنے بچے کے لیے. تو میں نے کہا یہ تمہاری یونیورسٹی, تمہاری بیوی کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا میری بیوی بھی ٹیچر ہے, وہ بھی لیکچرر تھی انگریزی کی یونیورسٹی میں. میں نے کہا دو کمروں کا کیا تعلق ہے اس سے؟ انہوں نے کہا جس طرح کا قانون یہ ہے, جس طرح کا بیڈ روم آپ اس میں رہتے ہیں, اسی طرح کا بیڈ روم آپ اپنے ملازم کو میٹ کو دیں گے تو آپ اسے رکھ سکیں گے, ورنہ نہیں رکھ سکتے. اس لیے دو بیڈ روم ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیے چار چار کنال کی کوٹیاں ہیں, آٹھ آٹھ کنال کی کوٹیاں ہیں, ذرا سرونٹ کوارٹر دیکھے جا کے ان کو ایگزامن کریں کیا ہو رہا ہے. تو آپ ایک تو قانون یہ بننا چاہیے کہ جس طرح کی آپ کی اپنی رہائش ہوگی اسی طرح کا بیڈ روم آپ اپنے ملازم کو دیں, اور اگر یہ اگر چھوٹے بچے یعنی بچیاں جو ہیں خاص طور پر, اب آپ اپنے پابندی لگا دی کہ ملازمت نہیں کر سکتی, لیکن وہ ملازمت کرتی ہیں, آپ ان کے لیے گواہی نہیں لا سکتے, گواہ کون ہوگا؟ کیونکہ وہ تو کہیں گے ہمارے تو مہمان آئی ہوئی ہے بچی, بچی بھی وہی کہے گی. آپ کو ایسی صورت کریں گے اگر کسی کے ہاں کا ان کو رجسٹر کریں جو گھریلو ملازمین ہیں سارے کے سارے, ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, ان کی ایجوکیشن. میں اگر اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتا ہوں تو یہ ہمارے جو اگر کوئی پانچ سال سات سال کی آٹھ سال کی دس سال کی بچی تو اس کو تعلیم کیوں نہیں دے سکتے؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا اجتہاد کرنا پڑے گا, تھوڑا سا آپ کو اپنے معروضی حالات دیکھتے ہوئے, سماجی حالات دیکھتے ہوئے اس کے مطابق طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا. اور ہم باتیں جو ہیں قوانین نافذ ہو جاتے ہیں, اب جس ملک میں ٹریفک کا قانون نافذ نہیں ہو سکتا, اب مال روڈ پہ نکل جائیں, کسی جگہ شہر میں چلے جائیں, جو بڑی بڑی سڑکیں بن گئی ہیں لیکن ٹریفک رولز جو ہے نافذ نہیں ہوتے, گاڑی چلانے کا طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں. اب مجھے بتائیے ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے. چیف جسٹس صاحب کیونکہ تشریف لے آئے ہیں, اور اب میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں, لیکن میں ان سے گزارش یہ ضرور کروں گا جو میں نے پہلے کی تھی, جناب حضور والا کوئی ایسا کرے کہ یہ اندر جو پارکنگ ہے وہ آرگنائز ہو جائے, ہائی کورٹ کے گاڑیوں کی پارکنگ بہت ایک بے ہنگم پارکنگ ہے, داخلہ اندر مشکل ہوتا ہے, تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے تو کتنے کو پلان بن جائے گاڑیوں کی پارکنگ کیسے ہونی ہے. تو باقی تو میں جو باتیں ہیں وہ عرض کر چکا ہوں, اور ویسے بھی عدالت کے سامنے کچھ کہنے سے بہت ڈر لگتا ہے, کچھ توہین عدالت کا خدشہ ہوتا ہے, اور پاکستان کی عدالتیں جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ہمارا بڑا وقار بلند رکھا ہے, اور ہم تمام تر مشکل حالات میں بھی اپنے قانون کی اور آئین کی بالادستی کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں, اور وہاں سے بہت سے تجاوز بھی ہوئے ہیں ماضی میں, اور یہ حال ہی میں جو سپریم کورٹ نے تجاوز کی جو مثالیں قائم کی ہیں وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے, ہم سمجھتے ہیں انہیں دہرایا نہیں جانا چاہیے. یہاں ایسا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمہ 184(3) کی جورسڈکشن میں طلب کر لیے گئے اور نہ فیصلے کر لیے, بہت بری نظیریں قائم ہوئی اور بینچ توڑے گئے جو دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے, بہرحال میں ایک ملزم کے طور پر بھی یہاں آتا رہا, یہاں مجھے بہت ریلیف ملی, اور بڑی کٹھن حالات میں ہم زندہ رہنے کے قابل ہوئے, اور اب پوری قوم جو ہے اس کی نظریں ہائی کورٹ پر ہیں اور سردار صاحب پر ہیں, اور ان کی جب آواز بلند ہوتی ہے تو بڑے بڑوں کی آواز بیٹھ جاتی ہے, اور میں شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے, اور جو موضوع ہے اس پر میں اپنی گفتگو کر چکا ہوں, اس میں مزید اضافے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ.